वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने जा रहे हैं, खास करके लोकसभा चुनाव में, उनके लिए मानदेय के संबंध में 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें डिटेल में बताया था कि किस तरीके से मानदेय में वृद्धि की गई है। कुछ साथी इसके लिए जो भी ऑफिशियल आदेश या नोटिफिकेशन है उसकी मांग कर रहे थे, क्योंकि वो प्रेस नोट था चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया था। तो मैं आपको आज ऑफिशियल आदेश गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से एक कोरिजेंडियम जारी किया गया है, मैं आपको वो बता देता हूँ क्या है और क्या क्या मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। तो ये 8/4/2024 को आदेश जारी किया गया है और इन द कंटिन्यूशन ऑफ द ऑफिस ऑर्डर, जो भी पहले का ऑफिस ऑर्डर 5/4 को जारी किया गया था, उसी के संदर्भ में ये आदेश जारी किया गया। इसमें पहला तो है कि डेली अलाउंस, यानी डेली अलाउंस किस किस का और पहले कितना था अब कितना होगा, तो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस यानी रेट्स क्या है, यानी वर्तमान में क्या क्या दर है, और अमेंडेड प्रोविजंस या रेट्स क्या है, और अभी जो सुधार किया गया वो क्या क्या होगा। तो मैं एक एक पॉइंट आपको विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, पोलिंग पार्टीज में जो भी पहले अधिकारी होते थे, जैसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी PRO जो होते थे, उनको ₹500 पर डे और पर ड्रॉप दे रहे, यानी उस चुनाव दिन के या जितनी भी ड्यूटी होती उस दिन के ₹500 मिलते थे। इसके अलावा पोलिंग ऑफिसर यानी PO 1, 2, 3 इनको ₹400 और जो फोर्थ क्लास के कर्मचारी होते थे उनको ₹250 मिलते थे। अमेंडेड यानी जो अब क्या चेंज किया गया है, अब क्या रेट्स मिलेगी, तो पोलिंग ऑफिसर यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को और पोलिंग ऑफिसर को, इनको तो वो का वो पेमेंट मिलेगा यानी ₹500 और ₹400, लेकिन फोर्थ क्लास के जो भी कर्मचारी थे उनको 250 मिलते थे, उसकी जगह ₹300 मिलेंगे। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। अगला बदलाव है पेमेंट ऑफ TA and DA टू पोलिंग पुलिस पर्सनल अटैच विथ पोलिंग पार्टी, यानी जो पुलिस कर्मचारी है जो पोलिंग पार्टी के साथ में है या जोनल मजिस्ट्रेट के साथ में, एरिया मजिस्ट्रेट के साथ में है, उनको क्या मिलेगा। तो जैसे पेमेंट ऑफ TA and DA पुलिस पर्सनल एक्सेप्ट क्लास 4 इंक्लूडिंग मोबाइल पार्टी, यानी किस किस में, जो मोबाइल पार्टी में होमगार्ड है, फॉरेस्ट गार्ड है, ग्राम रक्षक दल है, NCC सीनियर कैंडिडेट के है, एक्स आर्मी के है, या अन्य जो भी कर्मचारी है, उनको ₹350 पर डे एंड देर आफ्टर एंड फोर क्लास के लिए 250 रुपये पर डे था, उसको अब चेंज करके यहाँ जो नया जो रूल है उसमें है कि उनको जो भी अन्य जो भी कर्मचारी थे उनको तो ₹400 पर डे, और जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे उनको 250 की जगह ₹300, यानी इनको 350 की जगह 400, और अन्य जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पुलिस पार्टी से संबंधित है उनको 250 की जगह ₹300 ये दी जाएंगे। इसके अलावा पेमेंट ऑफ TA क्लेमिंग क्लेम्स ऑफ द स्टाफ इंगेज इन काउंटिंग डे, यानी जब चुनाव की गणना मतदान के बाद गणना होगी, यानी चुनाव काउंटिंग का दिन है उस दिन, उसमें भी कुछ बदलाव किया गया। काउंटिंग सुपरवाइजर है उनको पहले भी ₹500 मिलते थे, अब भी ₹500 मिलेंगे पर डे। काउंटिंग असिस्टेंट जो थे उनको 400, अभी भी 400, लेकिन जो क्लास 4 कर्मचारी थे जो चुनाव मतगणना से संबंधित कार्य करते थे उनको 250 मिले थे, अब उनको 300 मिलेंगे, यानी ₹50 की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर के संबंध में भी इसमें चेंज किया गया, बदलाव किया गया। पहले क्या था कि लंप सम ऑफ ऑनरेरियम ऑफ 1000, यानी मानदेय उनको ₹1000 के मिला, उनको दिया जाता था माइक्रो ऑब्जर्वर्स को, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में इनके कुछ चेंज किया गया। तो इसमें क्या चेंज किया गया कि, तो पहला तो है कि लम सम ऑनरेरियम ऑफ 1000 विल बी पेड फॉर इनिशियल 2 डेज, यानी 2 दिन के लिए तो इनको ₹1000 दिया जाएगा, एंड फॉर मोर देन 2 डेज, और 2 दिन से अगर ज़्यादा है तो ₹500 पर डे विल बी पेड एडिशनली, यानी सामान्य रूप से तो 2 दिन के ₹1000, उसके अलावा 2 दिन के बाद में तीसरे दिन पे उनको ₹500, जितने भी दिन होंगे उनको ₹500 के हिसाब से एक्स्ट्रा मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम है उनको 3000 मिलेंगे, लम सम पे वो 3000 मिलेंगे, 3000 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और इसके अलावा इसमें एक और लिखा हुआ है, पहले क्या था कि जैसे इसमें पोलिंग डे और अमाउंट ऑफ 150 कैश पेमेंट TA विल बी पेड एज पर रूल्स, तो TA तो उनको दिया जाता है ये। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस द माइक्रो ऑब्जर्वर विल बी प्रोवाइडेड स्नैक्स पैकेट ऑफ लंच और टू द पोलिंग पार्टीज ऑन द पोलिंग डे, यानी पोलिंग पार्टीज के साथ में जो पोलिंग डे के दिन है उनको भोजन के पैकेट वगैरह वो दिए जाते हैं, और या और एन अमाउंट ऑफ ₹150 कैश, या तो उनको ₹150 कैश दिया जाएगा या उनको भोजन वगैरह की व्यवस्था की जाएगी, और TA जो है वो उनको अलग से दिया जाएगा, ये सुधार हुआ। इसके अलावा अलग अलग जो चेंज है, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी बाय गवर्नमेंट कैमरा, यानी जो प्रशासन की तरफ से फोटोग्राफी वाले जो वीडियोग्राफर वगैरह होंगे उनको अमाउंट ऑफ 250 पर डे दिया जाता था,
उसकी जगह अब 400 रुपये पर डे दिया जाएगा, तो इसमें भी बढ़ोतरी की गई है। तो और ये सारे जो भी इसके अलावा जैसे लाइट रिफ्रेशमेंट यानी पैक्ड लंच विल बी एडमिसेबल टू द पोलिंग पार्टीज, अपार्ट फ्रॉम दिस अप्रूवल ऑफ फूड एंड स्नैक्स टू बी पोलिंग पार्टीज ऑन द पोलिंग डे, यानी पोलिंग डे के समय इनको जो भी नाश्ता या लंच के पैकेट वगैरह वो दिया जाएगा। मेन जो बदलाव किया गया 250 की जगह 400 किए गए, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बदलाव थे मानदेय में चुनाव से संबंधित। और ये मुख्य चुनाव अधिकारी राजस्थान सरकार की तरफ से 8/4/2024 को ये लेटर जारी किया गया। ये भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। तो ये कुछ मानदेय में बढ़ोतरी की गई है, सभी की नहीं की गई। इसमें जैसे पोलिंग पार्टी के रूप में जब जाएंगे तो वहाँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उनके लिए बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा जो पुलिस पार्टीज है या पुलिस कर्मचारी है उनके भी मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा जो काउंटिंग के समय में भी फोर्थ क्लास जो कर्मचारी है उनके मानदेय में वृद्धि की गई है। माइक्रो ऑब्जर्वर के मानदेय में वृद्धि की गई और अधिकतम 3,000 रुपये किया गया। और इसके अलावा वीडियोग्राफर है उनके भी 250 से 400 रुपये किए गए। तो ये पूरी महत्वपूर्ण जानकारी थी कि चुनाव से संबंधित जो भी कार्मिक है उनके मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोग उपयोगी रहेगी। चुनाव से संबंधित प्रत्येक टॉपिक पर मैंने वीडियो बना रखे हैं, एक पूरी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वो जरूर चेक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।